धूमधाम सुनकर शर्मा गए। मेरी आंखें क्यों बंद कर रही है? सुहाग रात पर अपने दुल्हा की आंखें बंद कीजिएगा। चलिए घोड़ी, बड़ी नीक फटक तू। चलिए जरा देखिए कि शान से टीके की बारात जा रही है। गरीब कन्या को फांसने के लिए जाल बिछाया जा रहा है। हाँ जी, और इसी जाल में यह गरीब कन्या फिर किसी नौजवान को फांसने की, यही ना? चलिए राजकुमारी जी, बड़ा जंगल किला है जिसकी भूल भुलैया बहुत मशहूर है, तुम वहां जाकर लड़के वालों को ना भूल जाना। अरे पगली, ससुराल में लाख सुख है लेकिन लड़की कभी अपना मायका भूल सकती है। सुनो दोस्तों, ये बाजों की आवाज बता रही है कि मगरूर दलजीत की कुमारी का टीका आ गया, यानी सियाने कौवे को फांसने के लिए हमने हड्डी फेंकी थी, तो वो सियाना कौवा फंस गया। महाराज की जय हो। रियासत जगमेर से राणा संग्राम सिंह टीका लेकर पधारे हैं। आने दे, जल्दी आने दे कि बैर की आग के शोले शीघ्र ठंडे हो जाएं। हुक्म महाराज। वाह जीजा जी, क्या कहने हैं, दाद देता हूं आपके दिमाग की। जगमेर के महाराज को चित करना आप ही का काम था नदाता। बड़ा गुरूर था दलजीत को, लेकिन वो ये भूल गया कि गुरूर का सर्वेशा नीचा होता है महाराज। रियासत जगमेर के राणा संग्राम सिंह रियासत सतनापुर के महाराज बक्तावर सिंह के हुजूर में। राजा सतनापुर को महाराजा जगमेर की तरफ से राणा संग्राम सिंह बधाई देता है। आइए राणा संग्राम सिंह, आइए, हम आपका स्वागत करते हैं। राजा साहब, न बाजे न शहनाई न दूल्हा और ये नफरत भरी हंसी हमारी राजा बेटी के टीके का स्वागत करती है, ये अपमान। अपमान? अपमान का हाल तुम्हारा राजा दलजीत बताएगा, किस तरह उसके बाप ने मेरे स्वर्गवासी पिताजी का अपमान किया था, जब उसने मेरी बड़ी बहन की मंगनी को ठुकराते हुए ये कह दिया था कि मखमल में टाक का पेवन नहीं लग सकता। तो आपने उस अपमान का बदला लेने के लिए शादी ठहराई थी? हाँ, राजपूताने की जमीन निर्दोष राजपूतों के खून से रंगीन ना हो, इसलिए मैंने इस युक्ति से बदला लिया है, और ऐसा बदला लिया है कि तुम्हारा मगरूर राजा जिंदगी भर याद रखेगा। बस बस ले जाओ टीका, और ये भी दलजीत से कह देना कि जिन राजाओं को तुम छोटा और दलील समझते हो, वही राजा तुम्हारी बेटी को बहू बनाना अपनी जिल्लत समझते हैं। बस राजा साहब, मैं अपने महाराज की शान में से ज्यादा कुछ नहीं सुन सकता। काश संग्राम आज टीका लेकर ना आया होता। तो क्या होता? सतनापुर के दरों दीवार फूल पत्तियों की बजाय खून के छापों से रंगीन होते, और यहाँ की गलियों में ठेले और पत्थरों की जगह आदमियों के सर ठोकरे गाते दिखाई देते। खामोश! तुम्हारी गुस्ताखी का जवाब जुबान से नहीं,
लोहे की जुबान से देता, मगर इसलिए जिंदा छोड़े देता हूँ कि ठुकराए हुए टीकों को वापस ले जाने वाला और कोई नहीं है। मैं टीका उस वक्त तक वापस नहीं ले जाऊंगा जब तक राजकुमार की इच्छा न जान लूं। ठीक है, पेशकार राजकुमार को हाजिर करो। हुक्म अंदाता। हमें भी सतनापुर के राजकुमार का इम्तिहान देना है कि उसे अपने खानदान की इज्जत का कितना ख्याल है। सतनापुर के राजकुमार महाराजा सतनापुर के हुजूर में। आओ सतनापुर के होने वाले राजा, आओ। महाराज ये सब क्या है? तुम्हें नहीं मालूम? ये तुम्हारे वास्ते टीका आया है। टीका कहां से? उसी मगरूर दलजीत के यहां से जिसके बाप ने तुम्हारे फूफी के सुहाग में ठोकर मारी थी, तुम्हारे दादा की पगड़ी भरी सभा में उछाली थी। बोलो क्या तुम इसे स्वीकार करोगे? हरगिज नहीं पिताजी। कुमार अपने दादा का पोता और अपने बाप का बेटा एक राजपूत है, और वो राजपूत है जो बदला लेना अपना धर्म समझता है। कि मुझे एक मर्तबा फिर बक्तावर के पास जाने दीजिए। दया की भीख मांगने के लिए पांडे जी? शेर कुत्तों के आगे नहीं गिड़गिड़ाता। सच है महाराज, शेर कुत्तों के आगे नहीं गिड़गिड़ाता, मगर क्षमा कीजिए, लड़की वालों को हमेशा दबना ही पड़ता है। दबना पड़ता है, लेकिन एक वीर बेटी के वीर बाप को क्यों दबना पड़े? राजा बेटी भी एक राजपुतानी है, राजपुतानियां जौहर करती हैं, पति की लाश के साथ सती हो जाती हैं। मेरी कन्या सुहाग का सेंदूर लगाए हुए अकेली सती हो जाएगी। महाराज बस संग्राम, नगर में ढंडोरा पिटवा दो कि आज से शादी ब्याह या किसी भी खुशी का बाजा नहीं बजेगा। रियासत जगमेर के राजा, प्रजा और इस धरती पर सांस लेने वाले हर इंसान का कर्तव्य होगा शत्रु से बदला और बदले की तैयारी। सोचिए महाराज। बहुत सोच चुका, अब रियासत में पहनने के कपड़ों की बजाय सिर से बांधने के लिए कफन तैयार होंगे, सोने और चांदी के जेवरों के बदले तोप के गोले ढाले जाएंगे। सौगंध है मुझे महाशंकर और साक्षात ईश्वर की, अगर बक्तावर से अपने अपमान का बदला न लूं तो जिंदगी में चांडाल की मौत मारा जाऊं और मरने के बाद डोम के वंश में उतारा जाऊं। चले मेरी सपनी नैनों से बहके
बस कर बेटी, कहां तक रोएगी? कहीं ऐसा न हो कि कन्या के आंसुओं की धारा सारी दुनिया को बहा कर ले जाए और वक्त से पहले ही प्रलय आ जाए। आने दीजिए प्रलय राजा बाबू। जब कन्या का सुहाग ही लुट गया तो उसके लिए आज ही प्रलय आ गया। औरत इसीलिए कमजोर कहलाती है कि वो वक्त का मुकाबला करने के बदले घर में रोने बैठ जाती है। वजह है राजा बाबू, लेकिन बाज जगह औरत मजबूर हो जाती है। गलत है, मजबूरी का दूसरा नाम कमजोरी है। भगवान ने मर्द और औरत दोनों को दिल और जिगर एक ही तरह के दिए हैं, इसीलिए तो जंगल में जब शेर और शेरनी हमला करते हैं तो दोनों में कोई फर्क नहीं होता। राजा बाबू, फिर वही आंसू, देख मेरी तरफ देख। इतने बड़े अपमान के बाद भी इन आंसुओं में आंसुओं के बदले इंतकाम के शोले भड़क रहे हैं। तू भी एक राजपुतानी है, इन आंसुओं के कतरों को अंगारे बना दे और अपना बदला लेने के लिए एक वीरांग बनकर खड़ी हो जा। ऐसा ही होगा राजा बाबू, आज से आंसू नहीं बहेंगे। अब आपकी बेटी यह साबित करके दिखाएगी कि जहां औरत सीने में नाजुक दिल रखती है वहां पत्थर का जिगर भी रखती है और बड़ी से बड़ी मुसीबत का सामना एक शेरनी की तरह कर सकती है। शाबाश, तू मेरी राजा बेटी नहीं राजा बेटा है। मालूम नहीं महाराज अधिराज का क्या हुक्म है? कोई दुकानदार लड़ाई का सामान बनाने के सिवा दूसरा काम न करे, कोई कारीगर तीर तलवार बरछे भाले के सिवा कुछ न बनाए। और सुन, ये भी सरकारी हुक्म है कि शहर में किसी किस्म का कोई बाधा नहीं बजेगा। छीन ले इसकी तोमी। अब देखना है बासी कढ़ी में कितना उबाल आता है। दलजीत अंगारों पर लौटेगा, दांत पीसेगा, मगर कर क्या सकता है? जानता है अपने किले की भूल भुलैयों का हाल। मैं तो भगवान से चाहता हूं कि वो हमला कर दे। उदय सिंह मजा आ जाएगा, छठी का दूध याद दिला दूंगा उसे। अगर गिरफ्तार करके घोड़े न मलवाए तो बख्तावर नाम नहीं। सतनापुर नरेश की जय। क्यों कलवा, क्या खबर लाया है? बड़ी भयानक सरकार, जगमेर में बड़े जोर के साथ लड़ाई की तैयारियां हो रही है। फौज में भर्ती की जा रही है, बाजारों में हथियार बनाए जा रहे हैं और एक भी जगह ऐसी नहीं सरकार जहां गोला बारूद ना तैयार हो रहा हो। बस यही या और कुछ? सरकार और क्या खबर लाता? हमला कब होगा? ये नहीं मालूम सरकार। किधर से हमला होगा? ये भी नहीं जान पड़ा सरकार। हमले का हाल तो वही लोग जानते हैं जो हमला करने वाले। फिर तू क्या खबर लेकर आया है? यही कि हमला होगा और जरूर होगा, ये खबर सोलह आने पक्की है सरकार। बेवकूफ कहीं का, जा वापस जा और पक्की खबर लेकर आ। हमला कब होगा, किधर से होगा, कितनी फौज है? अगर ये सब खबरें ठीक ठीक ले आया तो तुझे इनाम मिलेगा, बहुत बड़ा इनाम। तब तो बिटिया का ब्याह बड़ी धूम से होगा। आ गया सरकार। महाराज, मुझे अफसोस के साथ अर्ज करना पड़ता है कि हमारा दसवां जासूस भी मारा गया। हमें भी अफसोस है, मगर क्या करें, कलह का नक्शा हमारी जिंदगी है, वरना जंग की तैयारी सब बेकार है। बेशक महाराज, मुझे तो याद है जब स्वर्गवासी महाराज ने सतनापुर की फौजों को मैदान से भगा दिया और हमारी फौज कले में दाखिल हुई तो सब भूल भुलैया में फंस गए और एक हफ्ते तक बाहर ना आ सके। बहुत से आदमी मर गए तो महावैद्य ने बीच में पड़कर सुलह करवा दी। इसका मतलब ये हुआ कि जब तक तो कोई जाबाज कले का नक्शा न ले आए विजय की कोई उम्मीद नहीं।
अन्नदाता, अगर इजाजत हो तो सेवक कुछ अर्ज करे। कहो कौशल, तुम्हें इजाजत है? अब के मैं जाऊंगा और भगवान ने चाहा तो आपके प्रसाद से नक्शा लेकर ही आऊंगा। नहीं कौशल, हम तुम्हें नहीं भेज सकते। तुम्हारे सामने जंग के खुफिया मशवरे हुआ करते हैं, अगर तुम पकड़े गए तो दुश्मन हमारे हालात तुमसे जबरदस्ती पूछ लेगा। नहीं महाराज, क्या आप अपने दास को इतना कायर समझते हैं? जान चली जाए मगर बात नहीं जाएगी। महाराज विश्वास रखिए, बरसों से आपकी सेवा कर रहा हूँ, इस सेवा का मुझे भी कुछ लाभ उठाने दीजिए। तुझे क्या लाभ होगा? किले का नक्शा ले आया तो देश में नाम हो जाएगा, वतन के लिए मर गया तो अमर हो जाऊंगा। और सब काटी जिसको ताला वो तो कई पहर दिए, पर जुल्फ नागन का डसा मांग के पानी न पी। सर में दर्द हो, हाथ पैरों में दर्द हो, कमर में दर्द हो, गठिया बाई हो, खाना न हजम होता हो, खट्टी डकार आती हो, जूड़ी बुखार आती हो, बस इस तिलिस्माती चूरन की एक पुड़िया और सब भसम और सब हजम। कीमत सिर्फ दो आने। और सुनो भाइयों, आखिरी दवा वो है जिसे जिंदगी भर याद करोगे कि कोई आया। कितने खटमल है चार पाई में, पटको और पटको, चाहे चार पाई टूट ही जाए मगर खटमल एक बार की ना रहे, बदमाशों ने बदल नहीं डाला। खटमल जो ना अमीरों से डरता है ना गरीबों को छोड़ता है, सबकी नींद खराब करता है, बस एक पुड़िया और सब खटमल गए। कीमत दो आने, दो आने, दो आने, दो आने। एक बात सुन लो, पुड़िया को यहाँ मत खोलना वरना इसका सब असर गायब हो जाएगा। घर जाकर पुड़िया को गौर से पढ़ना, पर्ची इसी में लिखी। अच्छा क्या खबर लाए? सब ठीक है हुजूर। तुम क्या खबर लाए? हुजूर ये खटमल मारने की दवा लाया है। खटमल मारने की दवा? हाँ हुजूर, बड़ा जबरदस्त जोगी आया है, बहुत से आदमी उससे दवाई ले गए हैं, उसने कहा है कि इसकी तरकीब इसी में लिखी हुई है। खटमल की बेहतरीन दवा, पकड़ो और मारो। पकड़ो और मारो, ये तो बना गया। नहीं, अपनी दुआ बता गया, पकड़ो और मारो। ये कागज तो सतनापुर का मालूम होता है, ये जरूर कोई जासूस है। चलो वो इधर ही था जी। दर्द आधे सर का हो या पूरे सर का, अभी जाएगा ऐसे जैसे गधे के सिर से सिंह। लड़ाई की तैयारी में ऐसा ही होता है। जय काली। एक बात बताओ बच्चा, ये हमला कैसे होगा, कब होगा, किधर से होगा? ऐसे होगा, अब होगा, इधर से होगा। हे, क्या करते हो बच्चा? कटल लिया खटमल, हम मार रहे हैं। साधु को मारते हो बच्चा? ये क्या बदमाश? जगमेर नरेश की जय। ये आदमी जोगी के भेष में दवाइयां बेचकर नगर की हालत मालूम कर रहा था। ये सतनापुर का रहने वाला है और जासूस है। कैदी, सच बता तो कौन है, जोगी या जासूस? अन्नदाता, जासूसी का पाप करने के बाद में झूठ बोलकर दूसरा पाप नहीं करूंगा। बेशक मैं एक जासूस हूँ और यहाँ के हालात जानने के लिए सतनापुर से भेजा गया, पर अन्नदाता मैं एक बहुत गरीब आदमी हूँ और इनाम के लालच में जान पर खेल कर आया हूँ कि बहुत सा इनाम मिलेगा और उस इनाम से मैं अपनी जवान बेटी की शादी कर दूंगा। भ्राता जी, इसकी बातों का यकीन न फरमाइए, ये बिल्कुल झूठ कहता है। नहीं अन्नदाता, मुझे अपनी बेटी की कसम मैं सच कह रहा हूँ। जवान कन्या पहाड़ सी छाती पर रखी। महाराज आप भी एक बेटी के बाप हैं, अपनी राजकुमारी के सदके में मेरी बेटी का उद्धार कर दीजिए। इसे छोड़ दो। भ्राता जी, बख्तावर ने हमारे 10 लाल तलवार की भेंट चढ़ा दिए हैं और आप इसे दया की भीख दे रहे हैं। संग्राम, इसने राजा बेटी का वास्ता देकर एक बाप के सीने में हलचल मचा दी है, मैं राजा बेटी के सदके में इसे रिहा करता हूँ। छोड़ दो इसे। कोतवाल साहब, खटमल तो खून चूस कर जा रहा है, अब तुम मच्छरों को पकड़ा करना। जय
जान बच गई तो हमारा मजाक उड़ाता है। अरे तुम कोई औरत थोड़ी हो जो तुमसे मजाक करेंगे। तुम तो मूछों वाले तीसमार सिंह हो। सतनापुर जाकर भी तुम्हारे गुण गाएंगे कि जगमीर रियासत की पूतवाल, क्या कहना, मूछे ऊंची और बात नीची। तुम मुझे हरगिज नहीं पकड़ सकते। मुझे महाराजा धीराज ने छोड़ा है, इसलिए कि राज के कर्मचारियों को बेवकूफ बनाओ। ले जाओ इसे, इसका मुंह काला करके इसको गधे पर चढ़ाओ और सतनापुर की सरहद तक छोड़ के आओ। मगर ले जाओ बदमाश को, ये जा बख्शी का मजाक उड़ाने की सजा है। सरकार, किले की मरम्मत के लिए सरकारी हुक्म चाहिए। किले का हुक्म राजकुमार देंगे। तुम्हें बता दिया, किले की हिफाजत देखभाल ये सब राजकुमार के जिम्मे है। राजकुमार से क्यों नहीं पूछते जब मेरे पास आए? राजकुमार शिकार पर गए हुए हैं सरकार, और किले की मरम्मत बहुत जरूरी है। अगर किला जा बजा टूटा फूटा रहा तो भूलभुलैयों से निकल जाने के निशानात बन जाएंगे, और इन्हीं निशानों के सहारे रास्ता मालूम हो जाएगा। तुम ठीक कहते हो पेशकार, जाओ जितना रुपया भी सर्फ किया जाए, मगर किले की मरम्मत फौरन की जाए। हुकुम सरकार। सतनापुर नरेश की जय। तू कौन है? सरकार आपका जासूस कलुआ। कलुआ? वाकई कलुआ? खूब स्वांग रचाया है, शाबाश। बोल, हमला कब होगा, किधर से होगा? सरकार यही खबर निकालने के लिए मैं जोगी के भेष में दवाई बेच रहा था कि पकड़ा गया। पकड़ा गया? बेवकूफ कहीं का, जासूस बनकर पकड़ा गया। इसने अपना मुंह काला करवाकर हमारी रियासत को बदनाम किया। रहम सरकार। ले जाओ इसे। सरकार, हाँ मेरी बिटिया की शादी रह जाएगी, मेरी बच्ची अनाथ हो जाएगी। सरकार की जय हो। ये जगमेर का जासूस हमारे किले का नक्शा उतार रहा था, आपके प्रताप से मैंने इसे गिरफ्तार कर लिया है। शाबाश। क्या नाम है तेरा? बोलता क्यों नहीं? क्या ये गूंगा है? नहीं सरकार, ये आपके सामने गूंगा बनता है, किले में तो बोल रहा था। गूंगा बन गया इसलिए कि तुझसे कोई रियासत का राज न पूछ सके। अच्छा बता, हमारे किले का नक्शा कहाँ है? क्या करता है? सरकार जैसे ही मैंने इसे पकड़ा, ये नक्शा जो उतार रहा था वो निकल गया। निकल गया? बड़ा घाघ मालूम होता है। जमादार, ले जाओ इसे, इसे काट कर इसका पेट चीर डालो और नक्शा निकाल कर इसकी लाश को जगमेर भिजवा दो। देखता हूँ अब कौन जासूस सतनापुर में आने की हिम्मत करता है। बड़ी कृपा राजन, जय दलजीत महाराज। तूने भोजन क्यों वापस कर दिया राजा बेटी? आपने भी तो कल से भोजन नहीं किया। क्या भोजन करूं? तूने तो सुना होगा। हाँ राजा बाबू, मैंने सुना। अपना कौशल भी कत्ल कर दिया गया, बेचारा बहुत पुराना नौकर था, मगर वो शहीद तो अमर हो गया। वो तो अमर हो गया, लेकिन हमारे अमर होने का दिन कब आएगा? इसी चिंता ने भूख प्यास सब उड़ा दी, बल्कि दुनिया से नफरत होती जा रही है। मगर इतनी चिंता की क्या जरूरत है राजा बाबू, राज में लड़ाई की भरपूर तैयारी हो रही है। महाशंकर ने चाहा तो विजय हमारी होगी। ये नामुमकिन है। हम जानते हैं कि हमारे मुल्क का एक एक जवान और बूढ़ा अपने खून का आखिरी कतरा भी अपने देश और राजा पर निछावर कर देगा। फतेह हमारी होगी, मगर हम उसके किले की भूलभुलैया से कैसे बाहर निकलेंगे? किले के नक्शे के बगैर हमला करना बहादुरी की नहीं बेवकूफी की मौत होगी। इसी उलझन ने परेशान कर रखा है। अब किसे भेजो,
कौन इतना होशियार और चालाक है ये कैसे मालूम हो? मैं बताऊं राजा बापू, ढिंडोरा पिटवाइए, एक आम दरबार कीजिए और उसने मुंह मांगा इनाम मुकर्र कीजिए, फौरन पता चल जाएगा कि वो बहादुर कौन है जो देश की सेवा के लिए अपने सर हथेली पर रखने को तैयार है। महाराज अधिराज जगमेर नरेश का कल दरबार आम होगा, बीड़ा और तलवार रखी जाएगी, जो माई का लाल बीड़ा और तलवार उठाकर सतनापुर के किले का नक्शा लाएगा उसे राज दरबार से मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। महाराज अधिराज जगमेर नरेश की सवारी पर ध्यान रहे। महाराज अधिराज जगमेर नरेश की जय। इस आम दरबार का मंशा जाहिर किया जाए। आज्ञा महाराज। जगमेर के प्रजाजनों, आप बखूबी जानते हैं कि यह आम दरबार किस लिए रचाया गया है। महाराजा अधिराज को अपनी प्रजा की वीरता या देशभक्ति पर शक नहीं है, बल्कि पूरा भरोसा है। जब वक्त आएगा तो जगमेर का एक एक बच्चा तन मन और धन से देश का साथ देगा और अपने खून का आखिरी कतरा भी अपने मुल्क पर निछावर कर देगा। मगर इस वक्त हम तुमसे यह सेवा लेना नहीं चाहते। आज तो हमें सत्तापुर के किले का नक्शा चाहिए और जो वीर ये काम अंजाम देगा मुंह मांगा इनाम पाएगा। इस दरबार आम में हरेक को अपनी अपनी किस्मत आजमाई का मौका दिया जाता है। कौन है वो माई का लाल? आगे बढ़े और ये तलवार बेड़ा उठा ले। संग्राम, तुम ये बीड़ा नहीं उठा सकते। तुम्हारी कारगुजारी का दिन तो नक्शा लाने के बाद आएगा। माफ महाराज, संग्राम के होते हुए कौन बहादुर है जो बीड़ा उठाएगा? ये सेवक नक्शा भी लाएगा और रण मैदान में खून की होली भी खेलेगा। अगर इनमें से कोई मुझसे ज्यादा और दिखा दे पानी। होशियार सेनापति जी, तुम जिनके मुंह से अभी दूध के दांत भी नहीं टूटे, उम्र में छोटे, अकल में छोटे और हाथी का मुकाबला। सेनापति जी, चिमटी भी छोटी सी होती है मगर हाथी को गिरा देती है, बंदूक की गोली भी छोटी सी होती है मगर इंसान को मार देती है। हम छोटे जरूर हैं मगर दिल बहुत बड़ा है। संभालो वार। परीक्षा हो गई। शाबाश नौजवान, तुमने सरकार की चिंता मिटा दी। अब हमें पूरा भरोसा है कि तुम जरूर कामयाब होगे। जो अपनों से न डरे वो गैरों से क्या डरेंगे। बेशक, परीक्षा हो गई महाराज। महाराज हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम कामयाब हों। नौजवानों, सिर्फ सरकार ही नहीं सारा मुल्क तुम्हें आशीर्वाद दे रहा है। महाशंकर तुम्हारी मदद करेंगे। जाओ, मुरादों की कलियां लेकर जाओ और कामयाबी के खिले हुए फूल लेकर वापिस आओ। बोलो जगमेर नरेश की जय। सतनापुर के जांबाज सिपाहियों, आज तुम सबको कोतवाली में इसलिए जमा किया गया है कि मैं तुम्हें दुश्मन की नई कार्रवाई से खबरदार कर दूं। कोतवाल साहब, मैं सब कुछ जानता हूं। क्या जानता है? यही कि दुश्मन आजकल ऐसे तोप के गोले बना रहा है कि जिसके एक ही धमाके से सारी दुनिया सिमट कर अखरोट हो जाएगी। खोश, अगर अपनी अकल हो तो दूसरे की सुन लो। मैं तुम सबको आगाह करना चाहता हूं कि रियासत जगमेर के आम दरबार में दो नौजवानों ने बीड़ा उठाया है कि वो किसी भी तरह हमारे किले का नक्शा हासिल करेंगे। लेकिन हमने भी कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली है। हम उनका भी वही हाल करेंगे जो जगमेर के पहले जासूसों को कर चुके हैं। मगर ऐसा करने के लिए हमें पहले से बहुत ज्यादा होशियार रहना पड़ेगा। हाँ ठीक है,
तुम लोग अपना चौकी पहरा और मजबूत कर दो। सूरज डूबते ही शहर के दरवाजे बंद कर दिए जाए। शाम होने के बाद शहर की हद में कोई परिंदा भी पर न मार सके। और याद रहे, अच्छी नौकरी बजाई तो इनाम पाओगे, और अगर जरा चूक हुई तो गदर उड़ा दी जाएगी। अजी सुनते हो, तुम जरा घर देखना, मैं देव दर्शन को जा रही हूँ। मर गए, मैं यहाँ का भी पैरा दूँ और घर का भी। अरे ऐसी क्या पड़ी है सांझ को देव दर्शन के लिए जाने की? हाय कुछ समझते भी नहीं, वो बूढ़ी माँ आई थी ना, कह गई है मैं माँ बनने वाली हूँ तुम बापू। सर मैंने भगवान शंकर की मन्नत मांगी थी, एक जाऊँ और घी का दिया चढ़ाऊ। ये बात है तो जाओ, जरूर जाओ। मेरे होने वाले बिटवा की माँ, मैं यहाँ का भी पैरा दूंगा और घर का भी। अरे तुम एक छोर दो दो दिए चढ़ाओ बाबा। दो दिए चढ़ा दिए तो कहीं जोड़वा ना आ जाए घर में, तो इसमें नुकसान कौन सा है? चलो ऑटो। आए जियो। आखिर हम सतनापुर की सरहद पर पहुंच गए जूही। आज की रात इस मंदिर में बिताएंगे। आज की रात क्या कुमारी जी, शायद कई रातें बितानी पड़े। सरहद पर कड़ा पैरा है तो क्या हुआ, हमें तो शहर में जल्दी दाखिल होना है। मैं दासियों को सब कुछ समझा आई थी, उन्होंने राजा बापू से कुछ ना कुछ बहाना कर दिया होगा, पर अपना काम यहाँ पूरा करके हमें जल्दी पहुँचना चाहिए। भगवान शंकर ही का आसरा है। हे शंकर भगवान, तूने मेरी सुन ली, तेरी दया से मेरी गोद भरने वाली है। तेरा प्रसाद खाया था, उसका नाम भी शंकर प्रसाद रखूंगी। मुझे आशीर्वाद दो भगवान कि वो भागवान हो, उसका बाप जमादार से कोतवाल बने, कोतवाल से बड़ा कोतवाल, बड़े कोतवाल से फौजदार, दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करे। बस अब जाऊं भगवान, घर सूना छोड़कर आई हूँ। आ गई मेरे होने वाले बिटवा की माँ। बिटवा की माँ मत कहो, शंकर प्रसाद की माँ कहो, शंकर प्रसाद की माँ। मैं तो नाम भी रखा है भगवान के सामने। अरे बावली, कहीं लड़के की जगह लड़की हो गई तो क्या नाम रखेगी, शंकरी प्रसादी। छोड़ो भी, मेरा दिल कहता है लड़का हो गया लड़का। अच्छा लड़का। चिंता ना करो बेटा, पुत्र होगा पुत्र। धन्य हो महाराज, मगर ये आप कैसे कह सकते हैं? कैसे कह सकता हूँ, मैं सब कुछ देख रहा हूँ अपनी आंखों के सामने। देखो वो देखो, लाल को खिला रही है उसकी माँ, बाप जमादार से कोतवाल बन गया है लख निरंजन। धन्य हो महाराज, हमारी झोपड़ी में चलिए कुछ फल खा लीजिए, ऐसे पहुँचे हुए साधु फिर कम मिलते हैं हमारे आहो भाग महाराज। हाँ महाराज। नहीं बेटा, रात्रि हम हमेशा वट वृक्ष के नीचे बिताया करते हैं। वट वृक्ष सीमा के अंदर 3 मील पर है, हम जानते हैं, और हम ये भी जानते हैं कि तुम हमें अंदर नहीं जाने दोगे, क्योंकि महाराज की आज्ञा है। अजी महाराज, गोली मारिए महाराज की आज्ञा को, आप निश्चिंत होकर जाइए, पधारिए। तेरा कल्याण हो बेटा, तेरा कल्याण हो अलख निरंजन। महाराज फिर कब दर्शन होंगे? बेटी चलता साधु और बहता पानी एक जैसा होता है, फिर भी योग होगा तो हम अवश्य मिलेंगे, इस रूप में ना सही तो किसी और रूप में सही। बेटा महाराज, तूने हमें अंदर जाने के लिए मार्ग खोला है, बोल तुझे क्या चाहिए? बस महाराज, दिन रात यही चिंता रहती है कि कहीं जगमेर से निकले हुए जासूस भूले चू के अंदर पहुंच गए तो मेरी गर्दन को मेरे धड़ से अलग कर दिया जाए। ऐसा नहीं होगा बेटा। महाराज कृपा करके ये तो बताइए कि वो जासूस यहाँ किस भेष में आएंगे? बेटा वो हमारी तरह साधु के भेष में आएंगे। आए धन्य हो महाराज, तब तो मैं उनका ध्यान रखूंगा। जरूर रखना बेटा। अरे
हाँ हाँ बड़ी खुशी से, तो किराया पे इसकी दे दो। अपना कमरा देख लो। यह है तुम्हारा कमरा। ये तुम्हारे साथ कौन है? ये मेरी जोरू है। जोरू है तुम्हारी? बड़े किस्मत वाले हो यार। घुंघट के पट खोल दे, तुझे राम मिलेंगे, तुझे राम मिलेंगे। बुड्ढा, वो लोग शायद इसी तरह ले गए होंगे। ये सराय का मालिक कौन? जी जी मैं। इधर आओ जी। हुकुम। इस तरफ कोई दो साधु आए थे? जी जी नहीं। मेरा मतलब साधु ना सही, दो जवान आए थे। जवान तो नहीं, दो लड़कियां आई थी, आवारा सी मालूम होती थी, मैंने रहने की इजाजत नहीं दी। अरे वही तो जासूस थे, जवान लड़कियों का सामान बनाकर आए होंगे। किस तरफ गए वो, बोलो। वो उस तरफ गए। ठीक है, अभी दूर नहीं गए होंगे, तुम दोनों इस तरफ जाओ और तुम मेरे साथ चलो। ये मुंह को जोड़ा जोड़ी ले आए हो भगाई के, अब आप ही यहाँ कर लो। अच्छा अच्छा, तो मैं छोरे, ये क्या शिकायत कर रही है तेरी? अभी ले चलता हूँ तुझे थाने। तुम यही रहो रात भर, कल सुबह मैं खुद तुम्हारे माँ बाप के यहाँ छोड़ाऊंगा। नहीं नहीं नहीं, मैं माई बाप के घर नहीं जाऊंगी, वे मुंह को पीटेंगे। फिर कहाँ जाओगी? मैं तो तिहारी संग्राहूंगी, तिहारी चाकरी करूंगी, पर पहले यहाँ को थाने में बंद करा दियो। अभी लो, मैं अभी जाकर सिपाही को लाता हूँ, वो फौरन पकड़ ले जाएगा। नहीं गैया, आपको तो भीतर बंद कर दियो, ये भाग जाएगो, फिर आएगो, फिर सताएगो। अच्छा चल चल चल। ये तुम रखो। भाई मिट्टू, आज भगवान की कृपा से मैं जगमेर के जासूसों को जरूर पकड़ लूंगा। आज दोस्त नथु, आज क्या खास बात है? आज बहुत अच्छा शगुन देख के निकला हूँ, और तो घर से निकलते ही रुजदू भूंगी भी तो मिल गया। अच्छा हाँ, देख लेना, आज हमारा सामना उन जासूसों से जरूर होने वाला है। राम राम। राम राम। क्यों, क्या बात है? कौन हो तुम? और आप? हम जासूस हैं। अरे वाह, क्या बात है, जासूस अपने आप को जासूस कहे, वो जासूस कैसा? अरे बेवकूफ, जासूस हम हैं जो औरत हो के मर्द बनकर घूमते हैं। अरे वाह, धन्य है तुम्हारे माता पिता को और जय हो सतनापुर की। दोस्त नथु, हमारे देश की स्त्रियां भी कितनी बहादुर है जो दुश्मनों को पकड़ने के लिए मर्द बनी फिरती है। जी हाँ, और एक आप है जो जासूस होकर अपने आप को जासूस बताते हैं, क्या नाम है तुम्हारा? जल्दी बताओ। अब नाम पूछते हैं। साहब से तुम्हारी शिकायत जो करनी है कि तुम जैसे बेवकूफों को जासूस बनाकर हम एक बहुत बड़ा खतरा बन रहे हैं। माफ कीजिए, माफ कीजिए, हमारी नौकरी चली जाएगी। अच्छा माफ किया, लेकिन आइंदा खूब ख्याल रखना। चलो राजकुमार के किले की तरफ चलें। इस तरफ कहाँ? राजकुमार का किला तो इस तरफ। यही तो हम जानना चाहते थे कि आप लोग जासूस तो बने फिरते हैं, लेकिन आपको इस बात का पता भी है कि राजकुमार का किला कहाँ है? एक भूल हुई तो क्या हुआ, मुझे तो सब कुछ मालूम है। मुझे तो ये भी मालूम है कि पहले फाटक पर गुलाब कहिए, दूसरे पर अनार,
और तीसरे पर पानी। बिल्कुल ठीक। और चौथे पर आप मुझे बनाते, चौथा फाटक ही कहाँ? चौथा फाटक ही नहीं है। मेरा मतलब है, मगर वहाँ तो बड़ा सख्त पहरा है, सिवाय मजदूर ईंट पत्थर के कोई नहीं जा सकता। जाने दो। राम राम। बिना पूछे अंदर कहाँ जा रही हो तुम? हाँ, बिल्लेदार के पास थी, कुछ नाचू थी, कुछ गाँव थी, जाके दिल बहलाऊ थी। अच्छा, तो तुम लोग नाचने गाने वाले हो? हाँ सी। जो कुछ पाऊ थी वो। तू चुप रह, ये बात करेगी मुझसे? हाँ सी, जो कुछ टक्का ढेला पाऊ थी वासे पेट चलाऊ थी। ठीक है, मैं तुझे जाने तो दूंगा, लेकिन मुझे क्या देगी? सी। बोल। जो कुछ पाऊंगी उसका आधा दे जाऊंगी। तू चुप रह, तू बोल। सी। मैं क्या बोलूं सी? देख, मुझे आधा वादा कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो सी। अरे जरा इधर आ, कान में सुन। बस अगर मंजूर है तो अंदर, नहीं तो सी। हमें तो मंजूर है सी, हजूर सी, सरकार सी। यो, तो जा अंदर। अरे मेहरबानी सी, राम राम सी। अरे तुझको क्या देखे सी, चल सी, चल सी। हाय रे तेरी सी। हजूर बचाइए, आपकी ये भी गोड़ पिट रही है। पिट जाने दे। अपनी गोट तो उसी दिन पिट गई जिस दिन पिताजी ने टीका वापस कर दिया। हुजूर चाल तो चलिए। अच्छी नहीं लगता, कुछ अच्छा नहीं मालूम होता। यहाँ के तर दीवार हमें कांटे खाते हैं। हाँ, तूने शिकार का सामान दुरुस्त कर दिया है, कल सुबह हम फिर शिकार पर जाएंगे। लेकिन महाराज ने तो आपको किले की देखभाल और मायना करने का हुक्म दिया है। राज के इतने कर्मचारी मुफ्त की तनख्वाह खा रहे हैं, ये उनका काम है या मेरा?
देंगे, लेकिन तुम्हें इनाम भी देना चाहिए। बला का खूबसूरत थे एक लिटा कुमारी सी, सांप अगर खूबसूरत भी हो तो बेकार सी, मन को भावे और बात छुपावे सी, चुपरे चुपरे वो अभी सी हुआवे सी। ये सीसी क्या बोलती हो? ये तो हमारी सीधी सादी बोली सी। लेकिन लगती है सीने में गोली सी। तुम बहुत अच्छी हो। सी? ये लो अंगूठी, हम तुम्हें इनाम देते हैं। सी, सी। कैसी लगती है? मालूम होगे, जैसे कोई सितारा करे, झिलमिल झिलमिल सी। नहीं, गौर से देखो, इसके अंदर किसी का दिल सी। सी? हाँ सी। सी? कितनी प्यारी लगती है तुम्हारी सी। हाँ, तुम्हारा नाम क्या है? कबूतरी सी। कबूतरी? अभी यहाँ है, अभी उड़ जाएगी? दाना दिखेगी तब फिर आ जाएगी सी। ओहो, और ये तुम्हारे साथ कौन है? तुम्हारा कबूतर? नहीं सी, नहीं, ये तो कुछ ऐसा वैसा दूर का भाई सी। अच्छा। किला देखने आना था तो अपने साथ लाई सी। ओहो, मैं तो भूल गया, तुम्हें किला देखना था ना। जनावर, इन्हें अपने साथ ले जाओ और पूरी भूल भुलैया दिखा लाओ। हुकुम सरकार। जाओ, जब बाहर निकलो तो हमसे मिलते जाना। जरूर सी, जरूर सी। सरकार सी, हजूर सी। सी? सी? कुछ नहीं, कुछ नहीं। कह रहे हैं पे खट के जा सी और जल्दी वापस आ सी। सी। फिर क्या हुआ? जब मैं सिपाही लेकर वापस पहुंचा तो देखता क्या हूँ, दरवाजा चौपट खुला है और वो दोनों गायब। और उनके साथ साथ तेरा माल उस बात रुपया पैसा भी गायब। क्यों? यही ना? नहीं हुजूर, हर चीज वैसी की वैसी पड़ी थी, एक कौड़ी तक नहीं उठाई उन्होंने। तुझे मेरा दिमाग क्यों चाट रहा है? गुस्ताखी माफ हो सरकार, आप ठहरे कोतवाल और मैं करीब सराय वाला, कहाँ राजा भोज और कहाँ कंगला तेली। लेकिन फिर भी मेरी इस छोटी सी खोपड़ी में एक छोटी सी बात आई है, हुक्म हो तो अर्ज करो। अच्छा बोल। यही है वो लड़की। यही है ना सी? हाँ सी, हाँ सी, यही है सी। तू रात को उसकी सराय में थी? हाँ सी, हाँ सी, और हमारे साथ हमारा राजा भी सी। अब राजा बन गया, और उस वक्त तो मेरे पांव पड़ रही थी कि मुझे बचाओ इससे। झूठ सी। कोतवाल साहब, हम तो गरीब परदेसी सी, रात को इस बुड्ढे की सराय में ठहरे थे, ये आया और मुझे घूर घूर के देखने लगा, कहने लगा सी, ये कहने लगा सी, मैं कैसे कहूँ सी, आप तो खुद समझदार सी, मैंने इनकार कर दिया सी, तो फिर हमें डराने लगा सी, फिर हम क्या करते सी, आप तो जानते हैं सी, गरीब परदेसी भाग निकले सी। हाँ सी, घबराओ नहीं, चलो राजकुमार के पास उसकी शिकायत करें सी, चलो चल। हाय राज। ठहरो, राजकुमार को इन छोटी छोटी बातों के लिए तकलीफ देना ठीक नहीं। आप जैसे बोलो सी। कोतवाल साहब, आपका ख्याल ठीक हो सकता है, लेकिन फिर भी इनकी तलाशी लेना जरूरी है। तलाशी? मेरी तलाशी?
वो आप ले सकते हैं। ये कमर में क्या बंधा है दिखाओ दिखाओ। सुनिया भय कोतवाल अब डर काहे का। सुनिया भय कोतवाल अब डर काहे का, ये क्या लिखा है? सिकाना सी गरीबों की रोटी का ठिकाना सी, ये फिर जब आवे सी तो आपको भी सुनावे सी। फिर कब आओगी? फिर जब आप बुलावे सी। जब मर्जी हो आओ, जाओ। राम ले जाओ ऐसे। अंतर मंतर जंतर से मैं जान लिया है मार, अंतर मंतर जंतर से मैं जान लिया है मार। नौजवानों, तुमने आज वीरता का मान बढ़ा दिया, तुमने सारे मुल्क की इज्जत रख ली। मांगो क्या मांगते हो, राज दरबार का खजाना, ओहदा, जागीर, हर चीज मौजूद है, जो कुछ मांगना हो मांग लो। हमें राज दरबार से कुछ नहीं चाहिए महाराज, ये तो हमने अपना फर्ज अदा किया है। नहीं नौजवानों, तुम्हें कुछ मांगना ही पड़ेगा, नहीं तो हमारे ऐलान का अपमान होगा। अच्छा महाराज, जब आप कुछ देना ही चाहते हैं तो फिर हमें कुछ ऐसी चीज दीजिए जो अनमोल हो, जिसकी कीमत धन दौलत और जागीर से भी ज्यादा ना हो सकती हो महाराज। तुम्हारे सवाल ने तो सरकार को अचंभे में डाल दिया। तू ही बता नौजवान, दुनिया में कौन सी चीज अनमोल है जिसकी कीमत नहीं लगाई जा सकती?
माँ बाप की दुआ। माँ बाप की दुआ? हाँ राजा बाप, पहचानी मैं कौन हूँ। राजा बेटी। हाँ राजा बापू। राजा बेटी की जय। भगवान जहान को ऐसी ही औलाद दे। भ्राता जी, जिस चीज का हमें इंतजार था वो मिल गई, अब क्या हुक्म है? इसी शुभ अवसर पर हमला करने का दिन और वक्त भी मुकर्रर कर दीजिए, विजय यकीनन हमारी होगी। तुम ठीक कहते हो संग्राम, लेकिन हमला करने से पहले हमें अपने इष्टदेव महाशंकर के दर्शन को जाना है। लड़ाई के अंजाम की किसी को खबर नहीं होती, न जाने कौन जिंदा बचता है और कौन अपने देश के काम आ जाता है। इसलिए सफर की तैयारी करो, वहां से वापस होने के बाद शुभ घड़ी देखकर फौरन हमला कर देंगे। और राजा बेटी, तुम भी हमारे साथ महाशंकर के दर्शन को चलोगी ना? जरूर चलूंगी राजा बाबू। कुमारी जी, मैंने इतना सुंदर पुरुष कम देखा है। पुरुष की सूरत में ही सीरत देखी जाती है। मेरी सौगंध, सच कहना, क्या तुम्हें पसंद नहीं? चुप रहे, वो सुनहरा सांप है, वो खूबसूरत गिलास में भरा हुआ जहर है, मेरे सामने उसका नाम भी न ले। जी चाहता तो मैं ही अपने अपमान का बदला ले लूं, लेकिन दांत पीस कर रह गई। बेचारे ने अंगूठी पहनाते वक्त दबी जबान से ये भी कह डाला कि इसमें नगीने के बजाय किसी के दिल का टुकड़ा रखा है। फेंक दी उसकी अंगूठी। हाय राम। चले सिपाही भूल उड़ाते कहाँ किधर कोई क्या जाने। चले सिपाही भूल उड़ाते कोई कहे ये परवाने। चले सिपाही आधी, जीवन की ये अंधी आधी, अपनी राह न देखे, अपनी राह न देखे, किस झोंके में उजड़ जाएगी, किसकी चाह न देखे, किसकी चाह न देखे। चले सिपाही भूल उड़ाते कहाँ किधर कोई क्या जाने। चले सिपाही भूल उड़ाते कहाँ किधर कोई क्या जाने। चले सिपाही। देखो पांडे जी, कल सुबह का तारा छुपने से पहले ही हमें सफर कर देना चाहिए कि ठंडे वक्त महाशंकर के मंदिर में पहुंच जाए। जो आज्ञा। राजा बापू, सुना है यहाँ से थोड़ी दूर पर सूरज डूबने का मंजर देखने के काबिल होता है। मैं देखा। कितनी दूर है? यही कुछ 3-4 कोस होगा। अच्छा जाओ, लेकिन रात होने से पहले ही वापिस आ जाना। बहुत अच्छा राजा बापू। औलाद भी एक जादू की पुतली है जिसके सिर्फ देखने ही से माँ बाप का कलेजा हाथों भर जाता है। पांडे जी, बेशक अंदाता, औलाद वो नेमत है जिसको हासिल करने के लिए लोग बड़े बड़े जतन करते हैं, मानताएं मानते हैं, यात्राएं करते हैं। अगर बेटी हुई तो ठीक, और बेटा हो गया तो फूले नहीं समाते हैं। नहीं पांडे जी, बेटा हो या बेटी, औलाद तो दोनों ही बराबर है। और सच पूछो तो हमें तो बेटी ही पसंद है, क्योंकि बेटे के चाल चलन अगर अच्छे न रहे तो माँ बाप की बेइज्जती का कारण बन जाता है। लेकिन चार दीवारी में रहने वाली गरीब कन्या इज्जत के साथ घर में बैठी रहती है,
और जब उसका हाथ किसी के हाथ में पकड़ा दिया जाता है तो माँ बाप की इज्जत को संभाले उसी के साथ चली जाती है। बजा है अंदाजा। निकल आई हूँ, अपना पड़ाव ढूंढ रही हूँ। घबराइए नहीं, बैठिए, मैं आपको पड़ाव तक पहुँचा दूंगा। थोड़ी देर आराम तो कर लीजिए। आराम? जिस जिंदगी में आराम नसीब हो वो जिंदगी नहीं कहलाती। अगर जिंदगी में आराम ना मिला तो फिर कहाँ मिलेगा? आपने तो मुझे उलझन में फंसा दिया। अच्छा तो फंसे रहिए। अच्छा सुनिए तो, देखिए पश्चिम के तरफ एक काफिले ने पड़ाव डाला है, चलिए मैं आपको पहुंचा दूं। शुक्रिया, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण मुझे सब मालूम है, मैं खुद ही चली जाऊंगी। लेकिन अपना नाम तो बताते जाइए। नाम बताने से आपको फायदे के बदले नुकसान होगा। नुकसान? हाँ, परेशानी बढ़ जाएगी। आप तो कुछ अजीब बातें करते हैं, नाम बताने में क्या नुकसान? आप मेरा नाम नहीं चाहते हैं तो सुनिए, मेरा नाम है गुमनाम। गुमनाम? दूसरी उलझन पैदा हो गई। बस तो इसी उलझन में फंसे रहिए। अजीब औरत थी, ऐसा ख्याल होता है कि ये सूरत मैंने कहीं देखी है। कहाँ देखी है? चेहरा हसीन, आंखें बेमुरव्वत, मैंने दुनिया में ऐसी अजीब खूबसूरत औरत नहीं देखी। आंखें थी बेवफा,
दामन मेरी नजर से बचा कर चले गए, आए बहार बन के लुभा कर चले गए। इतना मुझे बताओ मेरे दिल की धड़कनों, दिल की धड़कनों, इतना मुझे बताओ मेरे दिल की धड़कनों, वो कौन थे जो ख्वाब दिखा कर चले गए, आए बहार बन के लुभा कर चले गए, क्या राज था जो दिल में छुपा कर चले गए। कुमारी जी, बात क्या है? अभी आई और अभी जा रही है? हाँ, अभी आई हूँ और अभी जा रही हूँ। कहाँ? एक खूबसूरत सांप का सर कुचलने। खूबसूरत सांप? वही सतनापुर का कुमार जिसके हुस्न की तू बहुत तारीफ करती है। क्या वो मिले थे? हाँ, ये मेरी खुशकिस्मती है कि शिकार खुद उड़कर निशाने के सामने आ गया है। आज बदला लूंगी अपने अपमान का और ये कटार उसके खून से रंगीन करके राजा बाबू को दिखाऊंगी। कुमारी जी, आपकी जान का तो खतरा नहीं, खतरा भी हो तो क्या है? जमीन पर रेंगते हुए कीड़े की तरह जीने की बजाय वीरता से मर जाना बेहतर है। सुहाग के साथ मेरी जिंदगी भी बर्बाद हो चुकी है। मेरी दुनिया की आबादी इंतकाम और मेरी जिंदगी राजकुमार की मौत है। तो फिर ये अंगूठी उन्हें वापस दे दीजिएगा, फेंक दे इसे। मैं किले शिकवे या प्रेम का सौदा करने नहीं, बदला लेने जा रही हूँ। आज वो नहीं या मैं नहीं। किस्मत का फैसला देख। तुम? हाँ मैं, तुम्हारी मौत। मौत?
अगर मौत इतनी हसीन है तो मैं 100 मरतबा मरने को तैयार हूँ। पहले एक दफा मर ली, फिर 100 दफा की तमन्ना करना, खींच अपनी तलवार कि मरते वक्त लड़ाई की हसरत न बाकी रहे। मगर ये लड़ाई क्यों? इसका जवाब तलवार की झनकार देगी। मगर मैं अपने सवाल का जवाब लोहे की जबान से नहीं, नर्म और मीठी जबान से सुनना चाहता। बातें ना बनाओ, तलवार खींचो वरना मैं हमला करती हूँ। मार, इतनी खूबसूरत मौत भला हर एक को कहाँ नसीब होती है? सोचती क्या हो? अगर तुम्हारी कटार छोटी मालूम होती है तो मैं अपनी बड़ी तलवार दिखा दू। मगर नहीं, जब छोटी सी कटार उठाने में नाजुक हाथ कांपने लगे तो इतनी भारी तलवार फूल सी कलाइयां कैसे उठा सकेंगे? और सच पूछो, तुमको इन लोहे के हथियारों की जरूरत भी क्या है? तुम तो जबान से सिर्फ 2 शब्द कह दो, मर जा, हम मर जाएंगे। ठहरो देवी, चली कहां? मैं हार गई। नहीं, तुम हार कर जीत गई और मैं जीत कर हार गया। मैं मुजरिम हूँ, मैं खूनी हूँ, मुझे सजा दो। सजा? तुम्हें सजा देने के लिए दिल कहाँ से लाऊं? हाँ, ये जरूर कर सकता हूँ कि जिस इरादे से तुम आई थी वो इरादा मैं पूरा करता हूँ। ये क्या करती हो? तुम्हारी बहादुरी पर मेरे इंतकाम का जोश सत्य हो गया कुमार। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि मुझसे इंतकाम लेने की वजह क्या है? ये एक राज है जो मैं इस वक्त नहीं बता सकती। अच्छा देवी, तुम्हारा नाम? कबूतरी। कबूतरी? ये तो एक नाचने वाले नटने का नाम था। सच बता देवी, तुम्हारा नाम? गुमनाम। नहीं देवी, जब तक तुम अपना नाम ना बताओगी मैं तुम्हें यहां से जाने नहीं दूंगा। मैंने अपने दोनों नाम तो तुम्हें बता दिए, आखिर आदमी के और कितने नाम होते हैं? तुमने ये नाम बताकर मुझे भूल भुलैया में फंसा दिया। भूल भुलैया तो सतनापुर की मशहूर है, यहाँ कहाँ से पैदा हो गए? मैं सतनापुर का राजकुमार हूँ। इसी से दूसरों को फंसाते फंसाते आज खुद ही भूल भुलैया में फंस गए। बस, तो अब यूं ही फंसे रहो। अजी चली कहाँ? अपने घर। तुम्हारा घर कहाँ है? हवा में। मगर? अगर मगर कुछ नहीं, उस वक्त उलझन में फंसे थे, अब भूल भुलैया में फंसे रहो। पांडे जी, जल्दी करो, धूप निकलने से पहले ही हमें रवाना हो जाना है। जी महाराज, मजबूत कर दो, जल्दी जल्दी करो। अरे घोड़े जल्दी तैयार करो। क्या बात है जूही, राजा पिटी अभी तक सो क्यों रही है? तबीयत तो ठीक है ना? जी हाँ महाराज, रात को देर तक सोई नहीं, इसलिए अब तक आंख नहीं खुली, जगा दूं। Thank you.
अरे अच्छा, सुबह भी हुई, दोपहर भी हुई और अब शाम हो रही है। अरे मुझे तो पता ही नहीं चला। कैसे पता चलता? सपने भरी ये प्रेम कहानी की नींद थी, किस तरह आंख खुलती जवानी की नींद थी। क्या देख रही है? खून, मगर इस पर तो एक धब्बा भी नजर नहीं आता। अरे पगली, खून तो हुआ, पर ये खून हर एक नहीं देख सकता। खून कटारी चले, दोनों घायल हुए और ऐसे घायल हुए जिन्हें कोई अच्छा नहीं कर सकता। विजय किसकी हुई? राजकुमार की। क्या बताऊं जूही, जिस दिल पर मुझे नाज था जब उसी ने साथ छोड़ दिया, मैं क्या करती? उसकी वीरता ने तो मुझ पर जादू कर दिया है। कत्ल करने गई थी, खुद ही कत्ल वो काटा। मैं ना कहती थी कुमारी जी कि वो इंसान के रूप में कोई देवता का अवतार है? बेशक वो बहादुर, शरीफ और एक खूबसूरत नौजवान है, लेकिन अफसोस है कि वो सतनापुर में पैदा हुआ है। अगर वो हमारे दुश्मन का बेटा नहीं होता तो मैं तमाम उम्र उसकी दासी बनकर जिंदगी गुजारना सौभाग्य समझती। कहती सच हो, मामला बड़ा टेढ़ा है। फिर अब क्या इरादा है? जूही, मैं अपने कलेजे से दिल निकाल कर दे सकती हूँ, लेकिन अपने देश और राजा बापू को धोखा नहीं दे सकती। तुम जानती हो हम महाशंकर के मंदिर क्यों जा रहे हैं? तुम जानती हो कि वहां से वापस आने पर जगमेर और सतनापुर में खून की बरसात हो, लेकिन क्यों ना ऐसी तरकीब की जाए कि लड़ाई रुक जाए? ये नामुमकिन है, राजा बापू को कोई नहीं समझा सकता। जूही, वो अपनी बात के धनी एक हठी इंसान है। राजहट, बालहट और त्रियाहट, सुनते चले आए हैं कि ये तीनों हटे मशहूर हैं। आज इनमें से एक हट साबित कर दी। मेरी समझ में नहीं आता कि नाम न बताने से क्या फायदा है। हम दोनों का फायदा है। अगर नाम बता दूंगी तो हमारे प्रेम की दुनिया फिर सुनी हो जाएगी। हरगिज नहीं, ये तुम्हारी भूल है। तुम मेरी और मैं तुम्हारा हो चुका। अब दुनिया की कोई ताकत हम दोनों को जुदा नहीं कर सकती। इस अंगूठी को पहचानते हो? अंगूठी? ये तो मेरी है। तुम्हारे पास कहां से आई? तुमने मुझे दी थी। तुमको? नहीं, हाँ अब याद आया, ये अंगूठी तो मैंने एक नाचने वाली लड़की को दी थी। शायद तुमने उससे मोल ली होगी। नहीं राजकुमार, नहीं, वो नाचने वाली नटनी। हरगिज नहीं, वो नटनी तो तुम्हारे तलवों की धोबन भी नहीं हो सकती। कहां ये चौथवीं का चांद और कहां वो अंधेरी रात का छिलमिलाता हुआ तारा? तुम मुझे धोखा दे रही हो। धोखा नहीं राजकुमार, मैं सच कह रही हूँ। तुम वो नटनी हो जो भेस बदल कर तुम्हारे किले का नक्शा उतारने गई थी। और सुनो, मैं ही वो दुल्हन हूँ जिसके सुहाग के फूलों को तुमने पांव से रोंदकर टीका वापस कर दिया था। जगमेर की राजकुमारी? हाँ, सतनापुर के राजकुमार। हाँ, अब तुम ही फैसला करो कि इस अपमान का बदला लेना चाहिए या ना लेना चाहिए। जरूर लेना चाहिए, मगर उससे जिसने टीका वापस किया है। क्या मतलब? क्या तुम उस वक्त वहां मौजूद न थे? क्या सुहाग के थाने तुमने ठोकर नहीं मारी? मैं जरूर मौजूद था और मैंने यह जरूर अपराध किया कि थाल में ठोकर मारी थी, मगर एक सपूत बेटा अपने पिता के हुक्म से मजबूर था। अगर मेरी जगह पर तुम होती तो क्या अपने पूज्य पिता का हुक्म नहीं मानती? तुमने भी तो अपने पिता का हुक्म माना, भेस बदलकर जासूसी,
मुझे कत्ल करने आई। बेशक हम दोनों मुजरिम हैं और दोनों बेगुनाह। राजकुमारी, मैं तुम्हारे पिता से अपने अपराध की क्षमा मांगने को तैयार हूँ। राजकुमार, बिजली बादलों से निकल चुकी है, अब वो चमक कर जरूर गिरेगी। राजा बापू बदला लेने की प्रतिज्ञा कर चुके हैं और उनकी प्रतिज्ञा को तोड़ना बहुत मुश्किल है। महाशंकर के मंदिर से वापसी के बाद फौरन सतनापुर पे हमला होगा। ये चंदाए तो छुप जाएंगे मगर मेरी नजरों से छुपना ना तुम। ये चंदा ये तारे तो छुप जाएंगे मगर मेरी नजरों से छुपना ना तुम। बदल जाए दुनिया ना बदलेंगे हम, बदल जाए दुनिया ना बदलेंगे हम। तो न दोगे मेरे प्यार को, ये वादा करो चांद के सामने। मेरे वजीर का कुछ नहीं बिगड़ सकता, आप बचाइए अपने बादशाह को, ये लीजिए शह। वाह रानी वाह, तुम्हारी इस चाल ने तो हमें वाकई सोच में डाल दिया। खेल में तो आप हमेशा बहुत सोचती हैं, लेकिन जिंदगी में कम। क्या मतलब? मतलब ये कि कुमार अब काफी बड़ा हो चुका है, उसकी शादी के लिए आपने कोई लड़की सोची? जल्दी क्या है, आप धर्म को लिए बैठे रहो और लड़के को हाथ से बेहाथ हो जाने दो। वो कैसे? कुमार ने रियासत में रहना छोड़ दिया है, अपना दिल बहलाने के लिए हमेशा शिकार पर रहता है। जवानी दीवानी होती है, वही कोई ऐसी वैसी लड़की नजर पर चढ़ जाएगी तो हाथ मल के रह जाओगे। मगर कुमार ने तो मुझसे कुछ नहीं कहा। आपने अपने बाप से कहा था कि मेरी शादी कर दो, ये माँ बाप का फर्ज होता है कि वो खुद ही समझ जाए और जवानी की ठोकर खाने से पहले ही औलाद का घर बसा दे। अच्छा मैं सोचूंगा। सोचूंगा नहीं, जल्दी कोई इंतजाम करो, हमारा एक ही तो बेटा है। 8-8 दिन गुजर जाते हैं और हम उसकी सूरत देखने को तरसते रहते हैं। अच्छा सरकार, मैं बहुत जल्द कुमार की शादी का इंतजाम करता हूँ, मगर आप चाल तो चलिए। नाचे अंगने तेरे आगे, नाचे अंगने तेरे
खत्म कर चुकी राजा बेटी? जी हाँ राजा बापू। तो चलो भगवान से प्रार्थना करें। हे महाशंकर, ये दासी तुझसे क्या मांगे? एक तरफ राजा बापू हैं, दूसरी तरफ मेरे मन मंदिर का देवता, दोनों मेरे हैं, उनकी रक्षा करना और मेरे राजा बापू को विजय देना। विजय तेरे भक्तों की दासी है, हम आज तेरे पास सिर्फ तेरे दर्शन करने और एक मन्नत मानने के लिए आए हैं। सोच रहे हैं कि तेरी भेंट में क्या चीज चढ़ाएं जो आज तक किसी भक्त ने न चढ़ाई हो। वो अनमोल भेंट सतनापुर के कुमार का सिर ही हो सकता है जिसने तेरी भक्तन के सुहाग में ठोकर मारी है। बस यही मेरी मन्नत है महाशंकर, अब जो तेरे दर्शन को आऊंगा तो सतनापुर के कुमार का सिर काट कर तेरे चरणों पर चढ़ाऊंगा, और अगर ऐसा न कर सका तो अपना सिर काट कर तेरे चरणों पर चढ़ाऊंगा। मां शंकर तेरी जय हो, तेरे भक्तों की जय हो। मां शंकर तेरी जय हो, तेरे भक्तों की जय हो। हमारी विजय की प्रार्थना कर रही थी राजा बेटी। जी हाँ राजा बाबू। मां शंकर तुम्हारी प्रार्थना जरूर पूरी करेंगे और आपकी प्रार्थना भी जरूर पूरी होगी। प्रार्थना हमेशा पूरी होती है राजा बेटी, और अगर प्रार्थना पूरी न हुई तो ये प्रार्थना सुनने वाले का दोष नहीं, प्रार्थना करने वाले का दोष है कि वो अपनी प्रार्थना में बल पैदा नहीं कर सका। मैं तो रोज भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि राजकुमार की शादी कहीं जल्दी ठहर जाए और राजमहल बहू के चरणों से आबाद हो जाए। वैद्यराज जी, आप हर रियासत में जाते हैं इसीलिए आपको यह तकलीफ दी है, आप ही कुमार की शादी ठहरा सकते हैं। राजकुमार पधारे हैं। आओ बेटा, आपके बहुत दिन शिकार पर रहे, क्या शिकार कर लाए? शिकार क्या करते माता जी, खुद ही शिकार हो जाते मगर बच गए। क्या शेर मिल गया था? शेर नहीं महाराज, शेरनी बिफरी हुई। पिताजी जान बचाना मुश्किल हो गई, दोनों में खूब जंग हुई। फिर सुलह हो गई। चल मुझे भी बनाता है, अब तेरा सामना शेरनी की बजाय हिरनी से पड़ने वाला है, क्यों वैद्यराज जी? अच्छा तो आज्ञा दीजिए। ठहरिए वैद्यराज, आप मेरी शादी कहीं न ठहराइएगा वरना आपको शर्मिंदगी होगी। क्यों? इसलिए कि मैं शादी नहीं करूंगा, आपने जो एक के सुहाग में ठोकर मारी है उसका दंड मुझे भुगतना पड़ेगा। मगर उनसे हमारी दुश्मनी थी। दुश्मनी महाराज दलजीत सिंह से थी, उस गरीब कन्या ने आपका क्या बिगाड़ा था पिताजी? उससे उस मैंने एक बेटे का फर्ज अदा किया और उस थाल में ठोकर मार दी, और अब मैं इंसानियत का फर्ज अदा करूंगा और उसी ठुकराए हुए पत्थर को अपने मन मंदिर की मूर्ति बनाऊंगा। यह कभी नहीं हो सकता, चाहे सूरज दिन के बदले रात को निकल आए
मगर बख्तावर दलजीत की कुमारी को अपनी बहू नहीं बना सकता। अगर ये नहीं हो सकता तो आपका बेटा कभी दुनिया में दूल्हा भी नहीं बन सकता। बेटा, ये तू क्या कह रहा है? क्या तेरी माँ अपने इकलौते बेटे का सेहरा भी ना देख सकेगी? बेशक, मुझे सौगंध है अपने ईश्वर की और मुझे सौगंध है अपने पूर्वजन और माता पिता की। शादी करूंगा तो जगमेर की कुमारी से करूंगा, वरना जिंदगी भर कुमार रहूंगा। कुवारा रहता है तो कुवारा रहे, मगर जब दोनों तरफ लड़ाई की तैयारी हो रही है तो ये शादी कैसे हो सकती है? सब कुछ हो सकता है महाराज, भावना और प्रेम में भगवान ने बड़ी शक्ति दी। आपको याद होगा कि सतनापुर और जगमेर के दरमियान जो पहली सुलह हुई थी वो मेरे स्वर्गवासी पिता महावैद्य जी ने करवाई थी, और अब अगर मेरे प्रभु की दया हुई तो ये सेरा मेरे सर बंधेगा। महाराज दलजीत जितने हट के पक्के हैं उतने ही दयालु और विद्वान भी। मैं अभी जाकर उनको समझाता हूँ, आप बारात की तैयारी कीजिए। तैयारी नहीं, जिस तरह हमने उनका टीका ठुकराया है उसका बदला यही है कि हमको बिन बुलाए हुए बारात ले जाना चाहिए। जाइए वैद्यराज। ठहरिए वैद्यराज, तुम लोगों की बेवकूफी से हमें मुंह की खानी पड़ेगी। ऐसा कभी नहीं हो सकता, किसी लड़की का बाप घर आई हुई बारात वापस नहीं कर सकता। जाइए वैद्यराज, आप जल्दी जाइए, मैं बारात भेजने का इंतजाम करती हूँ। कुछ मेरी भी तो सुनो रानी। कहाँ तक सुनूं, मैं तो सुनते सुनते बुढ़िया हो चली, कहीं कुमार ना बूढ़ा हो जाए। Thank you.
दीजिए सरकार। कौन? मैं बाग का नया मालिक हूँ सरकार। गुलदस्ता तो खूब बनाया है, इस किस्म के फूल हमारे बाग में नहीं है, तू कहाँ से लाया? प्रेमनगर से। प्रेमनगर से? कौन सा प्रेमनगर? कहाँ है वो? यूं तो बहुत करीब है, वैसे बहुत दूर भी है। क्या मतलब? अर्ज है सरकार, जो जाना चाहे उसके लिए करीब है और जो न जाना चाहे उसके लिए दूर है। मेरा ख्याल है आप वहाँ की सरकार आई है। नहीं नहीं नहीं, मैं वहाँ कभी नहीं गई। मैंने तो किसी ऐसे गांव का नाम ही नहीं सुना। ऐसे गांव का नाम भी नहीं सुना? ऐसे गांव का नाम ही नहीं सुना? तुझे किसने कहा? वहाँ के फूलों ने। माली? हाँ सरकार, वहाँ के फूल बोलते भी हैं। कानों से लगाइए नहीं, लगाइए लगाइए, सुनिए क्या कहते हैं। बकवास, ये तो कुछ भी नहीं बोलते। आप शायद इनकी बोली नहीं समझती होंगी। मैं आपको बताता हूँ ये फूल क्या कर रहे हैं। अच्छा भाई फूल, कहो तो हमारे राजकुमारी जी के बारे में कुछ कहो। सरकार, जान बख्शी जाए सरकार। क्या कहा? सरकार, ये फूल कह रहे हैं कि आपको यानी मुझको यानी कुछ नहीं सरकार, ये बक रहे हैं, बिल्कुल बक रहे हैं। माली, जल्दी बता क्या कहा फूलों ने। आप मेरा गला कटवा देंगे सरकार। ये फूल बड़े राज की बात कह रहे हैं। बता देगा तो माफ कर दूंगी, वरना सचमुच गला कटवा दूंगी तेरा। बताओ। बता। बताओ। बता। सरकार, ये फूल कह रहे हैं क्या आपको किसी से मोहब्बत हो गई है? भला आपको किसी से क्या मोहब्बत हो सकती है? और अगर हो भी गई तो इन फूलों को क्या? मोहब्बत होना कोई बुरी बात नहीं है। माली। सरकार से, हुक्म से। अरे तुम? हाँ से। बड़े बेरुखी हो। तुम्हें तो सिखाया सी, अब नाराज हो गई सी। ये सीसी छोड़ो और सुनो, कल सुबह हमारे यहाँ पंडितों की सभा बुलाई गई है। शादी की शुभ घड़ी निकालने के लिए? नहीं, बर्बादी की घड़ी निकालने के लिए, हमला करने का दिन निकालने के लिए। निकाले दो उन्हें हमला करने का दिन, लड़ाई की सारी तैयारियाँ धरी की धरी रह जाएंगी। जब मैं बारात लेकर आऊंगा और तुम्हें ब्याह कर ले जाऊंगा। सच्ची? सी। कहिए पांडे जी, हमला करने के लिए कौन सी शुभ घड़ी निकली? महाराज, आज मंगल है और मंगल आपका बहुत अच्छा है, इसलिए अगले मंगल को सूर्य उदय होते ही हमला करना चाहिए। भगवान ने चाहा तो विजय आपकी होगी। खैर, जहां इतने दिन ठहर गए, एक हफ्ता और सही। जाओ संग्राम, तुम्हें भी हमले की तैयारी के लिए एक हफ्ता और मिल गया। महाराजा अधिराज, छत्रपति सरदार, जगमेर नरेश की जय। आनंद जी वैद्यराज पधारे। आनंद जी? देखा पांडे जी, वैद्यराज को हम इतनी मुद्दत के बाद याद आए। जगमेर नरेश की जय हो। आइए वैद्यराज, ये आज किधर भूल कर चले आए? मैं बहुत शर्मिंदा हूँ महाराज, इतनी मुद्दत आपकी सेवा में हाजिर ना हो सका। खैर बिराजिए, और अब ये फरमाइए कि जाने के लिए आज्ञा कब मांगिएगा? जब महाराज का हुक्म होगा। ये बात है तो अब क्या आप एक महीने तक राज्य के मेहमान रहेंगे और एक महीने के बाद हमारे मेहमान रहेंगे और तीसरे महीने राजा बेटी के। राजा बेटी तो अच्छी है ना महाराज? बेचारी जी रही है और दुश्मन के खून से सुहाग की मांग भरने का इंतजार कर रही है। क्षमा कीजिएगा महाराज, मैं सतनापुर से आपके समधी का एक संदेशा लाया। समधी? वो एक नीच है, भूल जाओ अब ये रिश्ता। वैद्यराज, बहुत करीब आ गया है वो दिन जिसका इंतजार था। अगर अब के मंगल को सतनापुर के किले की ईंट से ईंट न बजा दूं तो राजपूत न कहिएगा। शांत होजिए महाराज, बेशक आप बड़े कीर्तिवान और बलवान राजा हैं, आप जो जी में ठान लेंगे उसे जरूर पूरा करके छोड़ेंगे। परंतु आपको याद होगा महाराज कि एक बार स्वर्गीय महावैद्य जी ने आपके पिताजी और बख्तावर के पिता में सुलह करवाई थी। आज ये सेवक भी यही आशा लेके आया है कि जिनके पिता ने कहना माना था उनके बेटे भी मानेंगे, पर गरीब राजपूत जाति खुरेजी से बच जाएगी। तबाह हो जाए राजपूत जाति,
जगमेर और सतनापुर दोनों राख का ढेर बन जाए। राजपूतों का नाम लेवा कोई बाकी न रहे वैद्यराज, मगर दलजीत का इरादा एक पहाड़ है जो अपनी जगह से नहीं हट सकता। महाराज आप तो एक विद्वान राजा है, लड़ाई का परिणाम भयानक होता है ये आप अच्छी तरह जानते हैं। वो या आप दोनों न रहे तो नुकसान किसका होगा? जाति का। दो मशहूर रियासतें राजस्थान के नक्शे से मिट जाएंगे। वैद्यराज इधर देखो, ये वापस आए हुए टीके के थाल दिल के जख्म बन चुके हैं। इनकी दवा बख्तावर और कुमार का खून है। नहीं महाराज, इनकी दवा राजा बेटी की बारात है। टीका बख्तावर ने वापस किया था, अब उसे बारात लेके आना पड़ेगा। यही अपमान का बदला है महाराज। वैद्यराज सूरज पूरब की बजाय पश्चिम से निकल सकता है, लेकिन दलजीत अपनी प्रतिज्ञा से नहीं हट सकता। ये बाजा कैसा? कौन अपराधी है जो बाजा बजाकर राज्य का अपमान कर रहा है? परेशान न हो महाराज, ये राजा बेटी की बारात आ रही है। राजा बेटी की बारात कहां से? सतनापुर से महाराज। क्या अब उस कमीने बख्तावर ने मुझे नीचा दिखाने के लिए ये चाल चली है? नहीं महाराज। महाराज पीछे, बारात महल के करीब पहुंच गई। बारात महल के करीब पहुंच गई? पांडे जी रोक दो बारात को। कहां है संग्राम? उसे कहो फौज को कमर कसने का हुक्म दे। वीर सिंह तीरंदाज उसे कहो के तैयार रहे। हुक्म महाराज। महाराज की जय हो, बारात राज दरबार के द्वार तक पहुंच गई। राज दरबार के द्वार तक पहुंच गई? ठीक है, अगर शिकार खुद ही शेर के घर में आ रहा है तो आने दो। सुना संग्राम, राजा बख्तावर सिंह आए हैं? जी हाँ महाराज, और बाजे गाजे के साथ आए हैं। लेकिन राजा साहब, आप अकेले आए हैं या अपने खुशामदी टट्टुओं को भी साथ लाए हैं? जरा मैं राजा उदय सिंह की सूरत देखना चाहता हूं कि वो कौन सा इज्जतदार है जो राजा बेटी को अपनी बहू बनाना बेइज्जती समझता है। महाराज गुजरी हुई बातों पर खाक डालिए, हम इस वक्त सुलह के इरादे से बारात लेकर आए हैं और ये उम्मीद लेकर आए हैं कि आप हमें निराश नहीं करेंगे। इस वक्त आप सुलह की बात कर रहे हैं, लेकिन जब सुलह के इरादे से हमने टीका भेजा था उस समय आपने बैर की आग पर पानी की बजाय तेल छिड़का था। हम खूब समझते हैं ये कच्चा लोहा नरम क्यों हो रहा है। शायद आपको पता चल गया है कि हमारे पास आपके किले का नक्शा पहुंच गया है, और यही वजह है कि यह कौवा कोयल की बोली बोल रहा है। महाराज आप शांत होजिए, हमारे सुलाकुन बर्ताव से खोटा लाभ ना उठाइए। सतनापुर के किले का नक्शा मिल गया है, इस डर से हम नहीं आए, बल्कि वैद्यराज जानते हैं कि हम अपनी भूल की क्षमा मांगने आए हैं और राजकुमारी को सतनापुर की होने वाली रानी बनाने को तैयार हैं। रानी? सतनापुर की रानी? कुमार शायद तुम्हें मालूम नहीं कि राजा बेटी जगमेर की महारानी है। उसकी सालाना आमदनी सतनापुर से चौगुनी है। वो तुमसे शादी करना अपनी बेइज्जती समझती है। महाराज ये आपकी राजहट है, इसका परिणाम आपकी बेटी को भुगतना पड़ेगा। खामोश। राजहट हमारी शान है, हमारे बुजुर्गों की आन है जिसे हम कभी नहीं भूल सकते। चाहे जान चली जाए मगर बात नहीं जाएगी। वापस ले जाओ बारात। महाराज ये आप क्या कर रहे हैं? ठीक कर रहा हूं। बख्तावर और कुमार की सूरत देखकर मैं अपने आप को काबू में नहीं रख सकता, और इससे पहले कि मैं कोई गैर शरीफाना बर्ताव करूं, बारात वापस ले जाओ। बेशक बारात वापस ले जाओ, तुमसे नाता करना हमारा अपमान है। तुम राजपूत नहीं, डोम हो। बस देख लिया नादान छोकरे।
बानहट ने मुझे किस कदर जलील किया है। बख्तावर, इस छोकरे की बात मानकर तो सिर्फ जलील होना पड़ा है तुम्हें, लेकिन अपने खुशामदी दोस्तों की चापलूसी का नतीजा तो उस दिन मालूम होगा जब सतनापुर ज्वालामुखी पर्वत की तरह सुलगता होगा, आग का मह बरसता होगा, सतनापुरियों की लाशें बरसाती कीड़ों की तरह तड़पती होंगी और जगमेर का झंडा लहराता होगा। सतनापुर की तारीख में कभी किसी ने ऐसे अपमान के लफ्ज नहीं सुने जो आज तेरी वजह से मैं सुन रहा हूं। बख्तावर, तुमने जो हमारा अपमान किया था उससे यह बहुत कम है। सलामती के साथ वापस चले जाओ। कहीं ऐसा ना हो कि हम अपनी फौज को हुक्म देने के लिए मजबूर हो जाएं और वो सब के सब खूंखार जानवरों और दरिंदों की तरह तुम पर टूट पड़े। महाराज, ये हमारे मेहमान हैं। भेड़ियों को मेहमान बनाना इंसानियत का अपमान है। संग्राम, इन्हें जगमेरी तलवारों के साये में शहर के बाहर छोड़ दो। और सुनो बख्तावर, तुमको 6 दिन की मोहलत देता हूं, लड़ाई की तैयारी कर रखना, कहीं हारने के बाद यह अफसोस न रह जाए कि हम तैयारी न कर सके। राजकुमारी जी, राजकुमारी जी, अंधेर हो गया, महाराज ने बारात वापस कर दी, बारात वापस कर दी। कहां चली? अपनी बारात देखने, अरे पगली अपनी बारात देखती। जूही, क्यों ना मैं भी बारात के पीछे पीछे चली जाऊं? लोग क्या कहेंगे? यही कहेंगे कि सुहाग की गलियां खिलने से पहले ही मुरझा गई। तेरा बड़ा उपकार है कि आज तेरे दास ने अपने शत्रु का सर नीचा कर दिया। बस अब इतनी कृपा और कर कि मैं अपने अपमान का पूरा बदला ले सकूं और कुमार का सिर काट कर तेरे चरणों पर चढ़ा सकूं। महाराज, महाराज, क्या हुआ बेटी को? जहर खा लिया। जहर खा लिया? क्यों? महाराज, राजकुमारी जी सतनापुर के राजकुमार को प्रेम का वचन दे चुकी है। कब? जब हम लोग महाशंकर के दर्शन को गए थे। जल्दी कुछ उपाय कीजिए, उनके बगैर नहीं जी सकती महाराज। उनके बगैर नहीं जी सकती, यानी बेटी बाप से बागी हो गई। जो औलाद माँ बाप की बेइज्जती पर उतर आए उसका मर जाना ही अच्छा है। जा, चली जा यहाँ से और जल्द यह खबर लेकर वापिस आ कि राजा बेटी मर गई। कितनी सख्त जान है, ससुराल वाले ठुकरा कर चले गए और भी छुड़ा। जो ही राजा बापू आ रहे, क्या बताओ? कुछ तो बताओ। क्या दुनिया के साथ साथ मेरे राजा बापू को भी मुझसे नफरत हो गई? जाओ, फिर जाओ और उनसे जाके कह दे कि राजा बेटी की आखिरी सांसें बाप के दर्शन का इंतजार कर रही। जल्दी जा, जल्दी जा। वैद्यराजी, वैद्यराजी, तेरा कह दे, पता हो गया, राजकुमारी जी ने जहर खा लिया। जहर खा लिया? हाँ, हालत बहुत खराब है। जल्दी चलो। तो फिर आई? जान की अमान महाराज, कुमारी जी की हालत नहीं देखी जाती। बेटी की आखिरी सांसें सिर्फ बाप के दर्शन का इंतजार कर रही है। उसे कह दे कि तेरा बाप मर गया
और तू भी जल्दी से मर जा। महाराज बेटी पैदा हुई। बेटी? परंतु आप निराश न हो। कौन निराश हुआ है पांडे जी, बेटी भी भगवान की देन है। जाइए, हमारी आज्ञा है सारा शहर सजाया जाए, सलामी की तोपें छोड़ी जाए और रियासत में उतनी खुशी मनाई जाए जितनी बेटा पैदा होने पर मनाई जाती। ये राजा बेटी नहीं, राजा बेटा पैदा हुआ है। जो आज्ञा महाराज। मैं बड़ी अभागिन हूँ महाराज, भगवान ने औलाद भी दी बेटी। चिंता न करो महारानी, हमारे लिए बेटा और बेटी में कोई फर्क नहीं है। हम तुम्हें वचन देते हैं कि हम बेटे के लिए दूसरी शादी नहीं करेंगे। यही तुम्हारी राजा बेटी जगमेर की महारानी होगी और उसकी हर खुशी के लिए हम बड़े से बड़ा बलिदान देने में पीछे नहीं हटेंगे। ये एक राजपूत का वचन है महारानी। रघु कुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। महाराज, राजकुमारी जी सतनापुर के राजकुमार को प्रेम का वचन दे चुकी है। वचन दे चुकी है? तेरा वचन नहीं टूटेगा राजा बेटी। राजा बेटी तू नहीं मर सकती, तू नहीं मर सकती। राजा बेटी तू नहीं मर सकती, तू नहीं मर सकती, तू नहीं मर सकती। अभी तेरा बापू जिंदा है। मैंने तेरी स्वर्गवासिनी माता को वचन दिया था कि तेरी खुशी की खातिर दुनिया की सारी खुशियां कुर्बान कर दूंगा, तुझे जिंदा रखने के लिए अपने आप का भी बलिदान कर दूंगा। राजा बेटी, राजा बेटी, वैद्यराज बचाइए, बचाइए राजा बेटी को बचाइए। महाराज घबराइए नहीं, भगवान पर भरोसा रखिए, मैं अपनी तरफ से कोई कोशिश उठाना रखूं। लेकिन राजा बेटी अच्छी तो हो जाएगी ना? भगवान मालिक है महाराज, क्यों नहीं अच्छी होगी, मगर मैं आपसे विनती करूंगा कि अपने फैसले पर दोबारा गौर फरमाइए। ऐसा ही होगा वैद्यराज। पांडे जी आप सच कहते हैं, लड़की वालों को हमेशा दबना ही पड़ता है। जाइए हमारी सवारी तैयार कराइए। आज्ञा महाराज। ब्याह के लिए आए जगमेर की कुमारी को बची कुची चेहरे पर दाग थी तो वो भी कटवा दी, और अभी क्या है, छह दिन के बाद देखना क्या होता है। क्या होगा, जो भाग्य में लिखा है वही होगा। दुल्लत रुसवाई और शिकस्त लिखी है, जिस ताकत का सहारा था वो भी टूट गया जब भूल भुलैयों का नक्शा उनके पास पहुंच गया, तो हम और हमारी फौज क्या करेगी, लड़ाई लड़ेगी और बहादुरी के साथ मैदान में मर जाएगी। रोको बख्तावर, रोको। देखिए पिताजी, शायद कोई हमारे पास संदेशा लेकर आ रहा है। ये तो दलजीत सिंह की आवाज मालूम होती है। रोको रोको। संदीप साहब, बारात वापस ले चलिए। क्यों? छठे दिन मिलने का वादा था, वो भी रंग के मैदान में, आज कैसे आ गए? बख्तावर, रण के मैदान में तुमसे मिलने के लिए जगमेर नरेश आता, और यह तुम्हारे पास एक बेटी का बाप आया है। किधर गया वो घमंड, क्या हुई वो शान जिससे बारात वापस की थी, आप खुद ही बुलाने आए हो, आखिर गिर पड़ा आसमान जमीन पर। नहीं बख्तावर, आसमान जमीन पर नहीं गिरा, गौर से देखो, आसमान जमीन को अपने गले से लगा रहा है कि उससे अपनी कमतरी का एहसास न रहे। बारात वापस ले चलो। बारात उस वक्त तक वापस नहीं जाएगी जब तक मैं तुम्हारा गुरूर न तोड़ दूंगा। अब गुरूर कहां रहा बख्तावर, एक बाप का गुरूर तो उसी दिन टूट जाता है जिस दिन उसके घर बेटी पैदा होती है। मुझे क्षमा करो और बारात वापस ले चलो। एक शर्त पर बारात वापस जा सकती है, बोलो। मैं तुम्हारी हर शर्त पूरी करने को तैयार हूँ। तुमको यह मुआहदा करना पड़ेगा कि रियासत जगमेर अपनी सालाना आमदनी का आधा हिस्सा सतनापुर को बतौर खराज देगा और उसके मातहत रहेगा। यह शादी की शर्त है या गुलामी का पट्टा,
मैं अपने मुल्क के लिए बेटी का सौदा कर सकता हूँ, मगर बेटी के लिए मुल्क का सौदा नहीं कर सकता। बस पिताजी, हद हो गई। बारात वापस जाएगी, एक दबे हुए इंसान को इतना न दबाइए कि इंसानियत शर्म से सर झुका ले। क्या तू जगमेर के धन और कुमारी की सुंदरता पर फिसल गया है, जो बाप से बगावत कर रहा है? जिन्हें भगवान और दुनिया को मुंह दिखाने का ख्याल होता है, वो बेजाहत और जुल्म से बगावत ही क्या करते हैं। आप बारात लिए खड़े रहिए, मैं जाता हूँ। तो जा, जाओ, और तुम भी जाओ। नहीं बख्तावर, लड़के ने अपना फर्ज अदा किया, मैं अपना फर्ज अदा करूंगा। समझे के बिना राजा बेटी विदा नहीं होगी। बख्तावर चलो, जो पगड़ी सिवाय मां शंकर के किसी के आगे नहीं रखी गई, आज मैं तुम्हारे कदमों में रखता हूं। चलो बख्तावर। हे महाशंकर, अब जब मैं तेरे दर्शन को आऊंगा तो कुमार का सिर काट कर तेरे चरणों में चढ़ाऊंगा, और यदि ऐसा न कर सका तो अपना सिर काट कर तेरे चरणों में चढ़ाऊंगा। राजा बेटी मेरी जिंदगी है, आज मैं अपनी जिंदगी आपको सौंप रहा हूं, इसे बहू न समझना, बेटी समझना। चिंता न कीजिए महाराज, मैं ही नहीं सारा सतनापुर इसे अपनी बेटी समझेगा।
मेरे यहाँ बेटी नहीं थी, आज मुझे बेटी मिल गई। जाओ राजा बेटी, दूधो नहाओ पूतो फलो, दुनिया की बहारें देखो, औलाद से गोद और सुहाग से मांग भरी रहे। राजा बापू, फिर आप मुझे कब बुलाइएगा? बेटी, अब ससुराल ही तुम्हारा घर है। लेकिन मैं आपके दर्शन कब करूंगी? जब बाप की याद उठे बेटी, तो महाशंकर के मंदिर में जाकर दो फूल चढ़ा देना। राजा बेटी चली गई। अन्नदाता, अफसोस न कीजिए, बेटियां पराए घर की शोभा बढ़ाने के लिए पैदा होती है। भगवान का बड़ा उपकार है कि उसने आपसे बहुत बड़ा फर्ज अदा करा दिया। दाता जी, फौज तैयार खड़ी है। अब मुझे फौज की जरूरत नहीं संग्राम, अब मैं अकेला ही लड़ूंगा, दुश्मन से नहीं अपने आप से लड़ूंगा। दाता जी। हाँ संग्राम, झुका हुआ सिर इंसान के बदन पर रहे या काट कर जमीन पर फेंक दिया जाए, दोनों बराबर है। उसी की जिंदगी है जिसकी इज्जत से गुजर जाए, जिए इज्जत से इस दुनिया में और इज्जत से मर जाए। पांडे जी, सुंदर को हाजिर करो। आज्ञा महाराज। राजा बापू महाशंकर के मंदिर जाया करते हैं, ये हमारा पुराना विलास है। अच्छा।
हे महाशंकर, आज तेरा ये भक्त अपनी भक्ति के फूल आखिरी बार तेरे चरणों में चढ़ाने आया है। लड़ाई जीतने में मुझे इतनी खुशी न मिलती जितनी हार मानने में मिली है। हे महाशंकर, तेरी दया से तेरा ये भक्त सतनापुर जीत सकता था, कुमार का सिर काट कर तेरे चरणों में चढ़ा सकता था, लेकिन अपनी बेटी की मांग में सिंदूर नहीं देख सकता था। सदा किसी के माँ बाप जिंदा नहीं रहते, लेकिन अगर संतान जिंदा रहती है तो माँ बाप हमेशा जिंदा रहते हैं। महाशंकर तेरी जय हो, तेरे भक्तों की जय हो। पर गिरता है बेटी। जब बाप की याद उठे तो महाशंकर के मंदिर में जाकर दो फूल चढ़ा देना। राजा बापू,